ये ईसा मुकेश सहनी पार्लियामेंट में नहीं थे यहाँ चुनाव में लड़ते जीत लग, खाता खुल रही तेजस्वी यादव और बाप बेटा दोनों प्रचार करते रहे थे बहन छपरा से हर रहे ये सब कोई बात है सब तो होते ही ना था वो लोग अभ्यस्त है आज यहाँ तक क्षमता परीक्षा तक आया है ये नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन है नीतीश कुमार का देना तेजस्वी यादव और लालू यादव कहाँ से आ गए तो वो परीक्षा नया पास किए हैं और अभी कानून बना नहीं है कि उनके पीछे के शैलिक पीछे के सर्विस का लेंथ का क्या होगा हम लोगों ने डिमांड किया है कि भाजपा के, तो के, के, के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षमता में जितने भी शिक्षक पास हुए थे उन्हें उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कैसे देख रहे हैं नहीं सरकार है ये अच्छी बात है कि सरकार सजग है नियुक्ति पत्र दे रही है उनका सारे चीजों पर और जो दस लाख नौकरी देने के वादा किया है उसको पूरा कर रहे हैं इसके लिए सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर नई नियुक्तियां पत, अगर करते नीतीश कुमार बहाल करते और उन्हें अगर नियुक्ति पत्र दे देते तो अच्छी बात थी पुराने को ही सिर्फ फिर से नहीं ये पुराना नियुक्ति नहीं है ये बी से हुआ है ना सक्षमता परीक्षा पास करने वाले को ना तो वो तो परीक्षा नया पास किए हैं और अभी कानून बना नहीं है कि उनके पीछे के सैलरी पीछे के सर्विस का लेंथ का क्या होगा हम लोगों ने डिमांड किया है कि पीछे के सर्विस को भी उसमें जोड़ा जाए तो एक तरह से वो नया ही है और अगर चीफ मिनिस्टर ने उसको सम्मानित किया अपॉइंटमेंट लेटर ले लेके ले दे के तो ये कोई बहुत ख़राब बात तो नहीं है अच्छी बात है एक्सट्रीम लाइन में है टीचर लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री को तब ये, ये, ये बातें ध्यान में आई जब तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम थे और उस समय उन्होंने जो है बहालियां निकाली और लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा तब से ये जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो कहाँ नियुक्ति किया था नियुक्ति वह भी नियुक्ति नीतीश कुमार किए थे ये सारा प्रक्रिया में शुरू से जो नियोजन के प्रक्रिया शुरू हुआ पांच हजार से वो नीतीश कुमार जी का परिस्थितियों के साथ बढ़ते घरते बढ़ते घरते आज यहाँ तक क्षमता परीक्षा तक आया है यह नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन है नीतीश कुमार का देना इसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव कहाँ से आ गए लेकिन सवाल तो उनका यह भी है ना कि अगर वो नई बहाली अगर निकालते नई बहाली निकालने के बाद में वो इस तरह का कार्य करते तब उन्हें अच्छी लगती अरे तो भाई जो नियोजन जो नियोजन के टीचर था वो नई बहाली होके आ रहा है परीक्षा दे के आ रहा है नई बहाली का मतलब क्या नया कुर्ता पहन के राज्य कर्मी का दर्जा तो बोल थे कि ऐसे भी घर बैठे भी दे सकते थे क्योंकि वो लोग तो पहले अरे लेकिन अगर शिक्षक पढ़ाने वाला कॉम को उन्होंने ले लिया और शिक्षक एग्री कर गया परीक्षा देने के लिए तो इसमें गलती क्या हो गया तो कोई गलती है नहीं तो अब विपक्ष को कुछ बोलने का उसके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता साथ नहीं है तो कुछ बोलना है तो बोलना है तो किस पर बोलना है नीतीश कुमार पर बोलना है तो बोलने से काम नहीं चलेगा नीतीश कुमार ने जो काम किया है और एनडीए के सरकार ने जो बिहार में काम किया है जिसको आंख है उसको झलकता है हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो परीक्षा का क्षेत्र में हो सड़क तो तो का क्षेत्र में हो तो पानी का क्षेत्र में हो बिजली का क्षेत्र में हो वो सब झलकता है इसलिए उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है बहुत सॉफ्ट हो गए आप नवल किशोर यादव जी क्योंकि एक समय में था कि शिक्षकों के लिए आप बहुत ही आक्रामक एक तरीके से कहा जाए कि थे चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा हो या फिर अन्य मामला हो सदन में भी आपकी आवाज़ जो है वो गूंज रही थी लेकिन अब सॉफ्ट नज़र आ नहीं नहीं सॉफ्ट नज़र अच्छा हम किसी को अननेसेसरी गाली देने का तो जिम्मा ले नहीं रखा है शिक्षकों के अभी हम लोग बड़ा कड़ा रुख रखे थे स्थानांतरण नीति पर सदन में भी सदन को भी हम लोगों ने सवाल भेजा है चीफ मिनिस्टर से भी बात कर रहे थे तो उसका एक सोलूशन निकला उसको संशोधन के लिए स्थगित कर दिया तो जो बेहतर काम हो उसके लिए साबसी भी देना और जो गलत काम हो उसके लिए दरवाज़ा भी ढकढका दक के उनको बताना यही ना मेरा दायित्व है इसलिए सॉफ्ट होने का कोई सवाल नहीं उठता है और कड़ा होने का कोई सवाल नहीं उठता है सवाल है कि जो बिहार के शिक्षा और शिक्षकों के मर्यादा के अनुसार आप काम करेंगे तो आपको साबसी मिलेगी लग रहा है कि इसमें शिक्षक नेताओं के में शामिल आप भी थे जो भी उनके जो लीडर होते हैं चाहे वो माध्यमिक हो बिहार जो भी हो वो आपसे लगातार मिल रहे थे बातचीत कर रहे थे क्या यही से फिर समस्या आ, समाप्त हो गया शिक्षकों की कि फिर अभी भी परेशानी जो है परेशानी तो जब तक जिंदा हो संसार ही का नाम है परेशानी जो उलझन है उसी का नाम संसार है उलझन तो रहते रहता लेकिन सरकार का इंटेंशन उसको सुविधा देना उसको सुरक्षित रखना यह जरूरी है सरकार इसी इंटेंशन इन, इस पर काम करे तो कोई बात नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कब होगी क्योंकि ब, कई ऐसे स्कूल हैं जो भी बहुत जर्जर भी है और बहुत ऐसे नीतीश कुमार की सरकार ने ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा भी दिया है जब पहली दफ़ा नीतीश कुमार जी की सरकार बनी उससे पहले कोई हाई स्कूलों में किसी तरह का कोई सरकार से पैसा नहीं जाता था लेकिन नीतीश कुमार जी ने प्लस टू विद्यालयों को छप्पन छप्पन लाख रुपया दिया और सारे विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेज रहे हैं विद्यालयों की संख्या अधिक है और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है सरकार हर हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दुरुस्त करेगी या करने के कारोबार शुरू किया है निश्चित तौर पर विकास का काम तो नीतीश कुमार ने सचमुच में किया है क्योंकि कोई कई कई चीज़ों चीज़ें जो है वह दिख भी रही है चाहे आ, इंटर के लड़कियां अगर पास कर रही हो तब या फिर मैट्रिक में मैट्रिक पास कर रही हो तब या फिर बीए पास कर रही हो तब प्रोत्साहन राशि के तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया जा रहा है नहीं नहीं वो साइकिल हो पोशाक हो नेपकिन हो बैग हो ये सारे या आप जो मिड डे मील में जो सुधार हुआ है वो नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन है और जो काम उन्होंने अच्छा किया है उसको इनकार करने से कोई बात नहीं बनती है काम करने वाले लोगों को साफसी भी मिलनी चाहिए आ, एक, एक सवाल अभी था कि टाइमिंग को लेकर के कई सारे अभी भी जो है शिक्षकों का यह है कहना है कि आ, जो टाइमिंग में हो वो थोड़ा बहुत चेंज हो क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है अब ऐसे में शनिवार को भी सुबह दस बज दस बजे नौ बजे अब अभी मिनिस्टर ने स्थगित किया है वो सारे चीज़ों पर विचार होगी बिहार में चार सीट पर उपचुनाव हुए लगे सटे झारखंड में भी चुनाव जो है वहाँ पे भी है तो कैसे देख रहे हैं बिहार में चार सीट को क्या एन जीत रही है या फिर तीन सीट पहले महागठबंधन के पास थी एक सीट एन के पास में थी तो क्या वो उसमें कुछ परिवर्तन होगा फिर झारखंड के में कैसे नहीं लग रहा है बिहार में तो कि चारों सीट एन को आ जाएगा ये बड़ी उपलब्धि है जो जनता का रुझान है जो जनता एक्सेप्ट कर रही है एन को वो तो हर हाल में लगता है कि चार में चार सीट एन डी जीत जाएगी और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे एक तरफ महागठबंधन के भी लोग कह रहे हैं कि हम झारखंड में सरकार बनाएंगे आप भी कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनाएंगे जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रचार किया गया तो उस गतिविधि को देखते हुए क्या लग रहा है देखो बैट भाजने से छक्का नहीं लगता है बॉल पर मारने से छक्का लगता है लोग खाली बैट रहा है। ये झारखंड में भी मेरी सरकार बनेगी और यहाँ भी चार सीट में हमको लगता है चारों सीट आ जाएगा झारखंड में महागठबंधन की ओर से ये मुकेश सहनी पार्लियामेंट में नहीं थे यहाँ चुनाव एक जीत ले खाता खुल ले तेजस्वी यादव और बाप बेटा दोनों प्रचार करते बहन छपरा से हट रहे सब कोई बात है सब तो होते ही ना था। उन लोग अभ्यस्त है लालू यादव कह रहे हैं कि अब अब के सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है नीतीश कुमार कभी भी वहां से हट सकते हैं हाँ नीतीश कुमार उन्हें उनके परमिट पर चलते हैं अभी बुझाया नहीं है लालू जी को नीतीश नितिश नीतीश कुमार लालू यादव को ना झटका देके नई पार्टी गठन करके उनके खिलाफ 20 साल से हैं मुख्यमंत्री अभी नहीं पता चला आँख नहीं खुला है नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार के दासे बूझते थे हटे रिवोल्ट किया ना रिवोल्ट किए ना तब ना सरकार वो अपना बनाए और 2005 से आज तक चला रहे हैं इसलिए वो बात नहीं है लालू यादव के समय कार्यकाल वो खत्म हो गया अब वो न समय है न उस वो वाले लोग हैं बहुत परिवर्तन हुआ है और एन का एक्सेप्टेंस बढ़ा है लालू यादव अभी कहें कि बीजेपी जितना बात करती है वो सारे के सारे जुमला जुमला ही रहता है एक भी धरातल पे नहीं दिखे। लालू जी तो ऐसे ही उनका तबीयत खराब है उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं बुजुर्ग भी हो गए हैं नेता हैं वो ऐसे ही मजकियल टोन में मजाक करने के लिए बोलते रहते हैं मजकियल आदमी हैं उनको राजनीति से और बिहार से या बिहार के गरीबों से कुछ लेना देना कभी नहीं रहा है वो अपना मजाक करते रहते हैं घूंगा हुआ खाए अब तो आजकल लगता है कि छोड़ दिए घूंगा हुआ खाए कौन ची कौन बनाते रहते थे वो तो खाना बनाने के लिए मरीन ड्राइव निकलते हैं, हैं। हाँ तो वो कहा जाएंगे बेचारे लकन फन कोई टेरता ही नहीं है बेटा बेटी तो कभी मरीन ड्राइव चल गए मन बहलाने के लिए और क्या करेंगे पच्चीस नवंबर से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है किस तरह तैयारी है? एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी है सारे मुद्दों पर सरकार से सवाल करेंगे और जवाब लेंगे भी है से। राना जी विपक्ष नेता यहाँ है वो तो हाउस जब चलता है तो विदेश चले जाते हैं हम लोग काम उनका कर लेंगे हम ही लोग सवाल भी करेंगे हम ही तो लोग जवाब भी ले लेंगे फिर विशेष बात होगी इस खबर बस इतना ही बने रहिए न्यूज फोर्नेशन के साथ अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए धन्यवाद